नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 8, और पाठ संख्या 8 का शीर्षक है मिठाई वाला। आप सबको मिठाइयाँ पसंद है। चलिए, यहाँ पर दी हुई है बच्चों चित्र पर आधारित गतिविधि। उपयुक्त दिखाई गई मिठाइयों में से आपको कौन सी मिठाई पसंद है, उसे बनाने की सामग्री बताओ। तो यहाँ इन 3 मिठाइयों में से आपको जो भी मिठाई पसंद है उसे बनाने की आप यहाँ सामग्री लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी संपत्ति से नहीं बल्कि मन की खुशी और सेवा से प्राप्त होता है। अगर हमारे पास बहुत संपत्ति है तो ज़रूरी नहीं है कि हम खुश भी हों। असली खुशी हमें मिलती है सेवा से, और हम उसी से ही संतोष प्राप्त करते हैं। ऐसा ही कुछ कहानी में मिठाई वाले के द्वारा दर्शाया गया है। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिक्षित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर जब वो ये आवाज़ लगाता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, वह गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर, चिक कहते थे बच्चों, पहले एक पर्दा सा किया जाता था तो वहाँ चिक लगाई जाती थी, चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। किसे घेर लेता? खिलौने वाले को। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। आगे चलते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। बच्चों की भाषा तो कैसी होती है, बोली तोतली बोली होती है, तो वो अपनी तोतली बोली में बोलते इसका दाम क्या है, ऑल इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति लहराता हुआ उसका स्वर पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल है, मतलब मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देख मेला हाथी कैचा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, वो क्यों सोचती कि इतने सस्ते क्यों दे गया। फिर 6 महीने बाद, खिलौने वाले के आने के 6 महीने बाद,
नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुँचा। एक स्वर में सब बोले, अम्बी लेंदे मुरली, और अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। कैसा एहसान बच्चों, कि आती तो 3-3 पैसों में है, लेकिन आपको 2-2 पैसों में दे दूंगा। फिर बोले, अब तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं, दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसों में यह मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी।
तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। ये सब यहाँ पर बच्चों तरीके बताए हुए हैं जिस तरह से वो बच्चों से बात करके उन्हें मुरलियाँ बेच रहा था। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद, मतलब 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं, कितनी दूँ, चपटी गोल पहलदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, दादी इनसे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर। मिठाई वाला हर्ष संशय और विस्मयादि भावों में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, अब तो वह इससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली,
इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा जो बार बार कभी खिलौने वाला, कभी मुरली वाला और कभी मिठाई वाला बनकर आते हो? वह बोला, मिलता भला क्या, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर जाना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर, सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, मतलब उसके बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं थे वह उन बच्चों को इन बच्चों के रूपों में देख रहा था और वो कहता है अगर मैं उस तरह रहता, यानी कि मैं दुख करता रहता, मैं उन बच्चों की याद में रहता तो मैं मर जाता, इस तरह रहूंगा तो सुख संतोष के साथ रहूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, इस तरह उसी सुख को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, मतलब भीगी हुई हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की दो पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो बच्चों यहाँ अब हमें दिए हुए हैं आगे कठिन शब्द जो आपने लिखने हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, अधूरा, विचित्र, मधुर, स्नेहाभिक्षित, कंठ, अंतर्व्यापी, पुलकित, मोलभाव, इच्छानुसार, निश्चय, उस्ताद, स्मरण, सोथनी, अप्रतिभ, अनुभव, स्नेहसिक्त, आजानुलंबित, चेष्टा, संशय, विस्मयादि, अनुमान, प्रतिष्ठित, अतिशय, मादक मृदुल, तत्काल। आगे चलते हैं, अब आते हैं शब्द अर्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। स्नेहाभिक्षित, प्रेम से भरा हुआ। स्वर का अर्थ है आवाज, केश राशि बाल, विस्मय आश्चर्य, अंतर्व्यापी अंदर बने, गदगद खुश होना, परिचित जानकार, उत्सुक उतावला, मादक मदहोश करने वाला, एहसान उपकार, हर्ष खुशी, कोलाहल शोर, सस्ते कम कीमत के, आजानुलंबित बड़ी बड़ी, संशय संदेह। अब हमारे पास है अभ्यास कार्य करने के लिए, बताओ क्या पढ़ा।
विजय बहादुर के कितने बच्चे थे, नाम बताओ। विजय बहादुर के दो बच्चे थे और उनके नाम थे चुन्नू और मुन्नू। रोहिणी कौन थी? रोहिणी विजय बहादुर की पत्नी और चुन्नू मुन्नू की माँ थी। मुरली वाला मुरली कितने में दे रहा था? दो दो पैसे में मुरली दे रहा था। विजय बाबू मुरली वाले की किस बात पर मुस्कुराए और क्यों? विजय बाबू को जब मुरली वाले ने यह कहा कि है तो इसका दाम 3-3 पैसे लेकिन आपको 2-2 पैसों में ही दूंगा, इस बात पर विजय बाबू मुस्कुराए क्योंकि वो जानते थे कि यह सबको 2-2 पैसों में ही दे रहा है, बस मुझ पर एहसान लाद रहा है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है, सही का चिन्ह लगाओ। मुरली वाले की उम्र कितनी थी? 30-32 वर्ष। मुरली वाले से मिठाई वाला कितने समय बाद आया? 8 माह बाद। छत पर केश राशि सुखा रही थी रोहिणी। मिठाई वाले के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न 3 है यहाँ बच्चों, किसने किससे कहा इचका दाम क्या है? बच्चों ने खिलौने वाले से, जरा उस मुरली वाले को बुला दो, रोहिणी ने कहा था विजय बाबू से, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, विजय बाबू ने मुरली वाले से, मैं उधर कैसे जाऊं कोई आता ना हो, रोहिणी ने कहा था दादी से, 16 तो बहुत कम होती हैं भला, 25 तो देते, दादी ने कहा था मिठाई वाले से। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, मिठाई वाले ने रोहिणी से। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखो। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसीलिए बेचता था क्योंकि वह अलग अलग चीज़ों से बच्चों को प्रसन्न करना चाहता था, और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह सिर्फ उन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आता था, अन्यथा पैसे की कमी उस पर नहीं थी। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाले का कंठ अति मधुर और मृदुल था। जब वह अपने मधुर और मृदुल कंठ से आवाज़ लगाता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला या बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला या बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, तब सभी बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे आते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू एक ग्राहक थे, वह अपने पक्ष में यह कहते हैं कि तुम दे तो सबको ही 2-2 पैसे की मुरली रहे हो, लेकिन मुझे यह कहकर दे रहे हो कि है तो 3 पैसों की लेकिन तुम्हें 2 पैसों में दे दूंगा, क्योंकि तुम मुझ पर एहसान जता कर ये मुरली मुझे दे रहे हो, जबकि इसकी कीमत 2 पैसे ही है। और मुरली वाला एक विक्रेता था, यह इस पक्ष से स्पष्ट होता है जब उसने यह कहा कि यह तो ग्राहक का स्वभाव ही होता है कि यदि दुकानदार हानि उठा कर भी अपना माल बेच रहा हो तो ग्राहक को ऐसा ही लगता है कि दुकानदार ने उसे लूट लिया हो। इसी प्रकार दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में तर्क पेश करते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे जल्दी से अपने घरों से, बाग बगीचों से या जहां कहीं भी हों वहां से निकलकर दौड़कर खिलौने वाले के पास जाते थे और खिलौने लेने के लिए अति उत्साहित और उत्सुक रहते थे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया?
जब रोहिणी ने मुरली वाले की मधुर आवाज़ सुनी तो उसे वह आवाज़ बिल्कुल खिलौने वाले की आवाज़ जैसी ही प्रतीत हुई और इसी कारण उसे मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का यह कारण बताया कि वह पैसे के लिए इन व्यवसायों को नहीं करता, वह अपने आंतरिक सुख, संतोष और शांति के लिए इन व्यवसायों को करता है, क्योंकि वह इन बच्चों की उछल कूद और हंसी में अपने उन बच्चों को ढूंढता है जो अब इस संसार में ना थे। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि रोहिणी को अपनी कहानी सुनाते सुनाते मिठाई वाला बहुत भावुक हो गया था। उसी समय चुन्नू और मुन्नू ने आकर मिठाई मांगी, उन्हें मिठाई देकर वह सीधा वहाँ से निकल गया और उसने ऐसा कहा कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? बच्चों, ये प्रश्न आप करेंगे गृह कार्य में, ठीक है? आपके जो भी विचार हो आप उसे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।